डॉक्टर को अपनी कमर दिखाएंगे, अभी अगर मैं बैठा हूँ तो लोअर बैक पेन कर रही है, फिर भी आप वर्कआउट डेली कर रहे हैं। हाँ, वर्कआउट जरूरी है क्योंकि इसी से हम हैं, इसी से मैं हूँ, इसी ने मुझे सब कुछ दिया। अगर मैं इसे ही एक्सक्यूज दूंगा तो मुझे लगता है। और डॉक्टर ने मना किया है कि आप वर्कआउट मत करो। हाँ, डॉक्टर ने मना हुआ है कि कोई झुकने वाला है, फिर कमर में वेट रख के एक्सरसाइज मत करो। मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाओगे भाई आप? जी भाई, मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाएंगे। हमारे यहाँ से 6 की फ्लाइट है, मैं हूँ और टाइगर भाई और अपने 5-7 भाई हैं, जो सारे जा रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है मिस्टर वर्ल्ड? फुकेट में हो रहा है। फुकेट बैंकॉक। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो ज़्यादातर युवती जुड़ी हुई है। और आप लोगों ने प्रोफेशनली नहीं करना तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई, दूर रहो, बहुत दूर रहो, दूर से देखते साइड हो जाओ। देखने में रास्ता बहुत ही ज़्यादा मीठा है, बट जितना इसमें अंदर घुसते जाओगे तो ये तो दर्द है इसमें। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ये गेम प्रोफेशनली खेलना है तो जो हम रिकमेंड करेंगे ना आपको हमारे चैनल के ऊपर, वो सबसे पहले हम करेंगे मुकेश गुरु जी, सैंडी भाई और यदेंद्र सिंह जी को। इनको आप सीधा अपना गुरु बनाओ, इनसे रिक्वेस्ट करो, इनके पास जाओ। बहुत हम्बल लोग हैं, बड़े लोगों के बारे में मिथ फैले होते हैं सोशल साइट्स पे कि नहीं वो तो मिलते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, रूड बिहेवियर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तीनों इंडिया के टॉप गुरु हैं, मुझे पर्सनली तीनों मेरे फेवरेट हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हो तो डायरेक्ट जाके इनमें से आप किसी से भी मिल सकते हो, ये हमारा ट्रस्ट है इनके ऊपर। सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल। और गलत लोग तब बोलते हैं दोस्तों जब इन लोगों के बारे में गलत बोलते हैं कि यतेंद्र भाई ऐसे हैं, मुकेश गुरु जी ऐसे हैं या सैंडी भाई ऐसे हैं, कि जो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपको देखिए थोड़ा सा एक एटीट्यूड होता है, वो भी रखना जरूरी है। बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरी जिम में भी ऐसे लोग आते हैं बहुत से, मतलब आते हैं शाम को लोग आते हैं, जब भी मैं जिम में, तो पता होता है 6 बजे के बाद बंदा जिम में होगा, तो बहुत से लोग आते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। किसी से जैसे प्रेप चल रही है, थोड़ा निर्माण मूवमेंट करेंगे, सब करेंगे, तो आदमी इरिटेट हो तो होने लगता है उस वीडियो से। तो अगर सबसे हम ऐसे रहेंगे नॉर्मली, अगर कोई नॉर्मली जैसे जाए, मैं मुकेश गुरु जी के पास चला जाऊँ कि नहीं सर ऐसे नहीं है, उनके पास इतना टाइम है मुझे सुने, ऑलरेडी वो मेरे जैसे 200 फेस कर चुके होंगे। बिल्कुल। तो बस यही पूछना है, सीधी बात बताना क्या चाहिए। आएंगे कुछ लोग, आएंगे जिम में घूमेंगे फिरेंगे, जिम देखेंगे, उसके बाद चार्जेस पूछेंगे, एंड देन सर एक फोटो। ये चीज़ आप पहले बोल दो, 15 मिनट क्यों खराब कर रहे हो, सीधे फोटो ले लो भाई। तो घुमा फिरा के बात नहीं कहनी, नितिन भाई लाइफ में कोई ऐसा फेस बताओ कि जब आपको कभी लगा हो कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई चोट वगैरह लगी हो, आप कभी ऐसा मन में किया कि अब कैसे करूँगा इस गेम को, कोई ऐसा स्टेज आया? रिसेंटली मेरे हाथ से अभी मैं एशिया की चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था, मैं हाथ टूट गया था, सुबह दोबारा टूटा हुआ है, पहले यहाँ से टूट गया, रिस्ट जॉइंट ब्रेक हो गया था आपका, टूट गया था ये भी, फिर मेरी लोअर बैक में भी इंजरी है, ठीक नहीं हुई। अगर मैं लेग्स कर रहा हूँ स्टार्टिंग में स्क्वाट से करूँ तो मेरे से लेग्स होगी, फिर लोअर बैक पूरी पेन रहती थी, इसलिए मैं लास्ट के मैंने 2 महीने होते हैं प्रेप के, उन्होंने मैं स्क्वाट्स करके अवॉइड ही कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मना करा हुआ है कि एक्सरसाइज मत कर वरना और दिक्कत होगी, तो मेरा ये वाला कॉम्पिटिशन जो अपना आ रहा है पूरा दिसंबर, इसे करके फिर थोड़ा सा डॉक्टर को अपनी कमर दिखाएंगे। अभी अगर मैं बैठा हूँ तो लोअर बैक पेन कर रही है, फिर भी आप वर्कआउट डेली कर रहे हैं। हाँ, वर्कआउट जरूरी है क्योंकि इसी से हम हैं, इसी से मैं हूं, इसी ने मुझे सब कुछ दिया, अगर मैं इसे ही एक्सक्यूज दूंगा तो मुझे लगता है। और डॉक्टर ने मना किया है कि आप वर्कआउट मत करो? हाँ, डॉक्टर ने मना हुआ है कि कोई झुकने वाला है, फिर कमर में वेट रख के एक्सरसाइज मत करो। और फिर भी आप कंटिन्यू वर्कआउट चल रहा है, दर्द है उसमें क्या कर सकते हैं, ये स्प्रिट है एथलीट के अंदर कि जब दर्द है या इंजरी है। मैं वही चीज बोलना चाहूंगा जैसे जो भी भाई देख रहे हैं, मैं उन्हें ये नहीं बोल सकता ना मैं इसलिए कंपटीशन से पीछे हट रहा हूँ कि मेरी कमर दर्द है, तो बहुत से मेरे भाई बोलेंगे बस इसका हो गया इतना ही हेटर्स, हो गया इसका इतना ही था, इसकी इंजरी शुरू होगी। तो मैं जो मेन वही मुद्दा पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उससे पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए बस मनोरंजन। बिल्कुल, अगर आप मनोरंजन देते रहेंगे तो आप उनके बीच रहेंगे, नहीं दुख तो सबकी लाइफ में। नितिन भाई को झुकने के लिए भी मना कर दिया तो एक्सरसाइज के, तो ऑब्वियसली उन्होंने मना करी होगी। उसके बाद भी ये सब चीजें करने के बाद ही अभी बहुत जल्द जो मिस्टर वर्ल्ड होने जा रहा है, मिस्टर वर्ल्ड में मेरे ख्याल से इनका जरूर मेडल आएगा और हमारी वेलफेयर इनके हमेशा साथ है। मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाओगे भाई आप? जी भाई, मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाएंगे, हमारे यहाँ से 6 की फ्लाइट है, मैं हूँ और टाइगर भाई और अपने 5-7 भाई हैं, जो सारे जा रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है मिस्टर वर्ल्ड? फुकेट में हो रहा है। फुकेट बैंकॉक। अच्छा, तो
नितिन भाई ये बताओ कि आपके पास कोई नया बच्चा आता है, आपने जिम खोल रखा, आपका काफी अच्छा जिम है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार भाई का जिम, आगे सामने से घुसे जो छोटा लगा मुझे, पर अंदर काफी बड़ा है और काफी अच्छा ही जिम है, बहुत एडवांस है, एडवांस जिम, एडवांस मशीन है। तो आपके पास जब नए स्टूडेंट आते हैं तो आप लोग कैसे क्या क्या बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे आए, कैसे डील करते हैं उनको? पहले तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, जैसे होती है नॉर्मली मेरे जिम में सबसे आया लोग, मैं सबके साथ हंसी मजाक करता रहता हूँ जिम में, बट अगर कोई नया बच्चा आता है बिगड़ तो उसके लिए ट्रेनर रखे, अगर मुझे मैं बोलता हूँ पहला तो मैं ये बोलता हूँ भाई आप ट्रेनर हैं हमारे, मतलब ट्रेनर क्यों भाई है, मैंने कहा भाई भाई रखे हुए हैं ये बताएंगे तो जेन से समझना है तो मुझे आगे पकड़ लेंगे, तो हमारे ट्रेनर से सेटिस्फाई हो जाते हैं, सारे सर्टिफाइड हैं तो बढ़िया, हमें पता है मेन ये बोला हुआ उन्होंने हमें भाई यहाँ पे ट्रेनर क्लाइंट नहीं बना, मेन यहाँ पे एक परिवार अपने से जोड़ के रखे। कितने ट्रेनर हैं आपके जिम में नितिन भाई? हमारे जिम में भाई टोटल 6 ट्रेनर हैं। दोनों शिफ्ट में आते हैं? दो सुबह होते हैं एक दोपहर में होता है, चार शाम को, शाम को ज्यादा क्राउड होता है इस वजह से। अच्छा कोई ऐसा एथलीट आ जाए या कोई ऐसा टीनेजर आ जाए या ऐसा कोई यूथ आ जाए जो सिर्फ आपसे वर्क करना चाहता हो तो उसके लिए बताओ कि किस प्लेटफॉर्म से आपसे कोई ट्रेनिंग ले सकता है या आपके पास आकर कैसे वर्क आउट कर सकता है? ट्रेनिंग में भाई कराता हूं लिमिटेड ट्रेनिंग देता हूं उनको, वन टू वन के मैं टाइम में जैसा होता है मुझे पे कर रहे हो तो मुझे आपको मजा आना चाहिए, मेरा खुद का कोई टाइम टेबल नहीं है, आए थे मतलब दो क्लाइंट्स आए थे मेरे पास वन टू वन ट्रेनर, उनसे जो मेरी फीस थी मैंने उनसे वो ली भी, बट उन्होंने टाइम नहीं दे पाया, जैसे चार पाँच दिन से ही करा दी, फिर थोड़ा टाइम नहीं होता मैंने उन्होंने अमाउंट रिफंड कर दिया, बाकी यही है मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कराता हूँ और उसमें लिमिटेड क्लाइंट्स लेता हूँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है बट उसमें सेट खुश हो गए कि हाँ ठीक है, ज़्यादा घिचपिच भी नहीं है, जिनसे पैसे ले रहा हूँ उन्हें रिजल्ट भी दे रहा हूँ और उन्हें प्रॉपर टाइम भी दे रहा हूँ, वो वाला काम नहीं है कि मैंने आपसे नॉर्मल फीस ली, जो मैंने आपको चार्ज दिया वही मैंने भाई को फॉरवर्ड कर दिया, जो भाई को दिया वो भाई को फॉरवर्ड कर दिया, वो नहीं वो वाला काम नहीं है, अगर आपसे पैसे ले रहा हूँ तो जो आपकी बॉडी को चाहिए वो नीड मैं आपको बना के दूंगा पूरी, अगर आपको समझना है तो आप मुझे रात बिरात भी कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो, क्या चार्जेज हैं उस ट्रेनिंग के? चार्जेज हैं भैया 3 महीने के लेता हूँ 45,000 to 40,000 पीछे लग के चलता हूँ डाइट से, आपकी डाइट का जहाँ आपने 1 घंटा शरीर को तोड़ोगे बाकी 23 घंटे तो आपकी डाइट होगी, मान लो 100% है तो 100% से कितने परसेंट डाइट को दोगे, कितने परसेंट वर्कआउट करोगे? डाइट को 60% 60% डाइट है या 40% वर्कआउट करो, बहुत बढ़िया, 60% डाइट, 10% आपका सप्लीमेंट और 30% आपका वर्कआउट। नितिन भाई सप्लीमेंट जरूरी लेना आज के टाइम में तो डॉक्टर भी देखते हैं, मुझे तो लगता है कि जरूरी भी नहीं है, और अगर आप नॉर्मली जैसे आप नॉर्मली वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन की जैसे आप पूरे दिन ऑफिस से आ रहे हो थके आ रहे हो तो आपकी बॉडी को जो आप खा के कंज्यूम नहीं कर पा रहे आपकी बॉडी वो शायद पाउडर फॉर्म भी कर लेगी तो इससे ईजी होगा, तो साइड इफेक्ट्स ये पहले सुने थे कि डब्बा खा के बॉडी बनाना आज के टाइम में नॉर्मल है, पहले तो वो टाइम पर ब्लैक पिंडी में मुझे आज भी याद है गेनर लेके आ रहा था ना तो ब्लैक पिंडी में देते हो जैसे कोई चिकन लेके जा रहे हो, दोनों की सेम एज 25-27 साल, तो मैं तो नितिन को फिर नितिन से आपने ये भी सीखा, मैं बता दूं आप लोगों की कुछ एज के बाद जाके और जब भी आप वर्कआउट करोगे तो डाइट के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सप्लीमेंट में लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे जैसे होते हैं जैसे अब एक्सरसाइज आप कर रहे हो आपकी बॉडी में पेन है तो आपको जॉइंट सपोर्ट लेनी पड़ेगी, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसके लिए आपको लीवर के लिए कोई सेफ्टी लेनी पड़ेगी, अगर आप दोनों चीजें ले रहे हो तो फिर आपको विटामिन लेनी पड़ेगी, तो पूरे एक साइकिल है, या तो इसमें पैरिमेंट डालो डालो तो पूरा प्रॉपर डालो पूरे शरीर को जिस चीज ढूंढता है वो चीज लेनी पड़ेगी। अगर मैं वही कहता हूँ जैसे अब आपने हफ्ते में 2 दिन कर दिया तो मैं आपको ये बोलूंगा सर आप कुछ लो आपने 2 दिन तो आना है उसके बाद आपकी रनिंग वनिंग चल रही है बढ़िया चल रहा हो, अगर आपने 7 में से 5 दिन भी जिम करनी है और आप ऑफिस से आ रहे हो तो मैं खुद बोलूँगा भाई आपको प्रोटीन लेना आपको काम आएगा, और प्रोफेशनली अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर तो इनकी नीड है ही है क्योंकि शरीर को भी तोड़ोगे रिकवरी भी नहीं होगी और पेन भी सहन करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, और अगर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारे तो ज़्यादातर युद्ध जुड़ी हुई है, अगर आप लोगों ने प्रोफेशनली नहीं करना तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई दूर रहो, बहुत दूर रहो, दूर से देखते साइड हो जाओ,
देखने में रास्ता बहुत ही ज्यादा मीठा है, बट जितना इसमें अंदर घुसते जाओगे तो ये दुख दर्द है, इसमें बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा होता है आपका टेस्ट, वही मारना पड़ता है जुबान से। अब शौक शौक में आप उसे 10 दिन तो मार दोगे, बट 11 दिन लगेगा थोड़ा सा खा ले, वो थोड़ा सा आप खाओगे वो आपको 3 से 4 दिन पीछे लेके चला जाता है। जब तैयारी चलती है सप्लीमेंट कंपटीशन के टाइम तो सबसे बड़ा है कि वो बिल्कुल कंट्रोल से खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो ये लिमिटेड खाने होता है। इसमें खाना क्या होता है, नॉन वेज ही होता है अपना, ज्यादातर प्रोटीन डाइट होती है लास्ट में, तो खाना का तो कोई ऑप्शन नहीं है। अंडे, चिकन, फिश, वेजिटेबल्स, बस ये होता है। फ्रूट्स में एक दो ऑप्शन होते हैं बस। अच्छा नितिन भाई, ये अभी आने वाली कितने टाइम तक और गेम में रहना है हमें प्रोफेशनली? भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जब तक मेरे घुटनों में पादम है और भोले बाबा सर पे हाथ करेंगे कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। बस ये सोचा है कि एक बार अपने लिए देखो, मेरी ये सोच है, नॉन कैमरे बोलता हूँ मेरी बोली नहीं, हम लोग बोलते हैं इंडिया के लिए एक मेडल लाना है, बट इंडिया में किसी को फर्क पड़ता है मेडल से नहीं पड़ता, तो हम ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है? भाई मुझे अपने लिए लाना है, अपने परिवार के लिए लाना है, अपने जो मेरे चाहने वाले उनके लिए लाना है, मुझे फर्क तब पड़ता मैं तब ये चीज़ बोलता कि इंडिया के लिए लाना है। भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है वही सपोर्ट नहीं कर रही है, हालांकि सबसे एक्सपेंसिव गेम है। आप मुझे बताइए, आप मेरे से सीनियर हैं, शायद जब मेरा पैदा भी नहीं होता जब स्पॉन्स स्टेज थे, आपने मुझे बताया तो फील होती है आपको ये चीज़ या सब आपसे पूछूंगा, मतलब लोग सच बोलते हैं बात, इंडिया के लिए लाना है अपने लिए लाना है, आप बताएं। नहीं, अगर इंडिया के लिए लाना है उसमें क्या है कि नितिन भाई इंडिया के लिए इसलिए बोलते हैं लोग कि भाई देश का नाम जैसे जितेंद्र भाई जीत के आए हैं वहां से, तो जो झंडा उन्होंने पहना है अपने ऊपर वो वाली वो चीज़ें अलग है। बाकी इंडिया ने फिर बाद में भी पूछा कि जितेंद्र भाई कहाँ से आए हो, क्या किया मेरे कंधे पे अपने, जब मेरी सेकंड प्लेस आई, हालांकि उसमें 4 घंटे गए थे, बट मुझे पहला मौका मिला कि मैं अपने देश का झंडा पकड़ू, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अब उसके बाद थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार सबसे पहला सबसे एक्सपेंसिव गेम है, बिल्कुल रिस्क का गेम है 100%, जो हमारे लास्ट के दिन होते हैं जिनमें पानी की डिप्लीशन करते हैं, सोडियम कम हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, सबसे ज़्यादा वो होते हैं कि आप ये लगाओ कि आदमी मौत के मुँह रिस्क है। आपको अगला कल नहीं पता कि वो आपका जो टाइम होता है जो कॉम्पिटिशन से पहले की रात होती है उसमें आप साक्षात इमरान से मिले जाते हो, मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि मतलब वो हालत होती है कि पानी पी नहीं सकते और निकाल नहीं निकाल इतने बॉडी डिहाइड्रेट कर देते हैं, बिल्कुल स्पीड हो जाती है, तो फर्क पड़ना चाहिए, इसको थोड़ा सा मान्यता देनी चाहिए, मतलब और मैं बताऊँ सरकार मान्यता ना भी देने दे, जो भाई ये वीडियोस देख रहे हैं जो कमेंट करते हैं ना कि स्ट्रॉइड से बॉडी बनाई है, बस वही चीज़ बोलना बंद कर देंगे तो एक एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस उसे अप्रिशिएट करें कि भाई आपके कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुँचने के लिए हार्ड वर्क दी है। और अगर स्टेरॉइड से ही बॉडी बनती है तो आप लोग बना दो। नहीं बनती तो है स्टेरॉइड से भी बनती है, मैं जाहिर सी बात है, उससे पहले डाइट, उससे पहले स्टेरॉइड तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पीछे आ गया, स्टेरॉइड लेने के लिए भी आपको 3 साल पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा मेहनत, जो आपकी बॉडी खुद अपना गेन कर सकती है, मसल जो खुद बॉडी बना सकती है उसके पहले वो करनी पड़ेगी, देन उसके बाद जब बॉडी बना लेगी अगर आप इस लाइन में घुस रहे हो तो। अगर आप ये चीज़ देखें बॉडी बनने में, मुझे लगता है कि जब मैं तैयारी करता हूँ मेरी बॉडी बनती है 90 से 100 दिन, मेरी बॉडी घर आती 7 से 8 दिन में खराब हो जाती है, खा के जो 100 दिन की मेहनत हो 7 दिन में खराब हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बेकार तो चीज़ें ऐसे ही बिगड़ जाती है 2 मिनट में, बनाने में टाइम लग जाता है काफ़ी, तो वही है भाई मेहनत करो और बस ये बोलना बंद करो, वही बहुत हो गए, आप लोग अप्रिशिएट करो, प्यार करो और बस यही बोलूँगा इस बारे में। अच्छा नितिन भाई, इंटरव्यू में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं जी। जो हमारा यूथ है आजकल बहुत शॉर्टकट्स ले रहा है, मतलब जिम में जाऊंगा 1 महीने जिम करूंगा, 1 महीना भी मैं शायद लंबा बोल रहा हूँ, मैं सेकंड थर्ड डे ट्रेनर पे चला जाऊंगा। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इस चीज़ के बारे में भी यूथ भी लग रहा है इस चीज़ के पीछे, जो हमारे ट्रेनर है ना उनकी भूख बड़ी पड़ी है। यस, यही मैं बोलना चाह रहा था, हमारे ट्रेनरों की भूख बड़ी पड़ी है, वो अपनी सैलरी में सेटिस्फाई नहीं है कि मुझे यहाँ से अगर 20,000 मिल रहे हैं तो मैं इसमें खुश रहूँ और अपनी ट्रेनिंग दे के यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये और कमा लूँ, 35,000 कमा लूँ, जो सप्लीमेंट्स के 5 साल होते हैं कि 40, वो उसमें खुश नहीं है, वो ये चाह रहा है कि भाई आया मेरे से बीटे भी ले, मेरे से माल भी ले और 1 घंटा आया मुझे महीने के 10-12 हज़ार इस पर डाल दो। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैं उससे पहले तो ये बोल रहा हूँ भाई गोल क्या है, अगर वो बोलेगा मुझे नॉर्मली फिटनेस करनी है ये ट्रेडमिल पर चढ़ चार्ज बना के दूँगा एक्सपीरियंस करता रहता है, कोई बोलेगा मुझे प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है मैं उससे पहले ये भी पूछता हूँ भाई परमानेंट करनी है 1-2 साल का सोच के आए हो,
तो ये फर्क होता है, इसमें यूथ की गलती नहीं होती, इसमें सारी गलती हमारे ट्रेनर्स की, जो भी जिन पर हम भरोसा करें वो जाती है। आप जाओगे ना, आपको स्टार्टिंग में 3-4 घंटा ऐसे देंगे कि आपके अलावा कोई है ही नहीं, देन वो आपसे अपनी डिमांड्स रखेंगे, उसके बाद आप उसके डिमांड नहीं सुनोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे सैर करते हैं है। वही से फिर ये है कि अब आपको लगता है कि नॉर्मली मैं होता हूँ, आज के टाइम में लोगों को जरूरत होती है कोई उनसे प्यार से बात करें, ट्रेनर आपसे 5-7 दिन अच्छे से एक्सरसाइज कराएगा, प्यार से बात कर लेगा, तो आपको कहीं नहीं, आप घर से निकलते तो रहते नहीं यार, जितने भैया हैं उनसे बात करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, अब वही भैया आपसे 2-4 दिन बाद साइड हो गए तो आपको बोला लगेगा नहीं यार चल कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा मोटिव यही है कि कोई भी हमारा भाई है, हमारा आने वाला यूथ है, टीनेजर से, वो किसी भी तरीके से गलत चीजों से बचे। तो आप लोग वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नितिन भाई के साथ हम थोड़े टाइम बाद एक वर्कआउट की वीडियो भी बनाएंगे, सर के साथ करेंगे वर्कआउट, पूरी वर्कआउट वीडियो भाई करेंगे, सर वर्कआउट वर्कआउट करेंगे, एक बार भाई को वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आने दो, वहां से एक हमारे लिए मेडल लेके आएंगे, उसके बाद एक साथ में भाई के साथ वर्कआउट की वीडियो डालेंगे। तो नितिन भाई बहुत बहुत थैंक यू, बड़े भाई हैं अपने, भाई हैं अपने, तो चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें, और बस जल्दबाजी ना, धीरे धीरे टाइम में जो लिखा हुआ है किस्मत में भोले बाबा ने वो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मैं बॉम्ब पे बहुत भरोसा करता हूँ, हालांकि मैं भी चीज़ें जल्दी जल्दी करता हूँ, बट गुस्सा भी जल्दी आता है, बट ठीक हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा था नितिन से मिले आज, और काफ़ी टाइम से इनको देख रहे थे हम सोशल मीडिया पे, आज देखा है, मुझे एक बार बता दूँ सिर्फ एक लाइन में कि बाकी तो मुझे पता नहीं, आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ, पर मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का, इंसान बहुत अच्छा है, वो बिग मसल्स के साथ साथ बिल भी एक बहुत बड़ा ले रखा है, हमने ऑफ द कैमरा भी इनसे बातें करी, बड़े ही नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान, प्यार भाई साहब आपके देखने में मिल गया। चलो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक और शेयर भी कर देना, अगर अच्छा लगा हो आपको नितिन भाई का हमारा डिस्कशन, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस एथलीट के ऊपर चाहिए। थैंक यू राम राम।